नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का एक बेहतरीन सेशन। देखिए, पहले दो सेशन आप लोग देख चुके हैं। ज्योमेट्री में थियोरिटिकल पार्ट पहले मैंने आपको पढ़ाया, सिमिलर ट्राइंगल जिसके अंदर हमने करे, और आपको ये बताया था कि सिमिलरिटी तो वैसे ही रहती है जैसी वो है, पर उसका रूप बदल जाता है। यानी जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम ये देखते थे कि सिमिलरिटी के अंदर टीचर लिखवाती थी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। फिर आपको बताया गया कि भाई जो एंगल कॉमन है ये देखिए कि उसके सामने वाली साइड का अनुपात सेम होना चाहिए। फिर जैसे जैसे हम और आगे बढ़े, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आए, फिर हमने मल्टीप्लायर का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। हमने देखा कि ये साइड इससे चार गुना है तो दूसरी साइड भी इससे चार गुना होगी या पाँच गुना होगी, ठीक है। फिर हमने देखा सी जी एल 2017 मेंस के क्वेश्चन, 17 मेंस एक बहुत बेहतरीन पेपर था जिसके अंदर एडवांस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, और हमने ये देखा कि डायग्राम के अंदर ही क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो आज की क्लास में भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन 17 मेंस के हम लेके आए हैं, जिसके अंदर आप ये देखेंगे ना केवल ट्राइंगल में सर्कल में आप और भी काफ़ी जगह सिमिलरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो हमने किया थोड़ा सा रिकैप कराया था आपको, जो कि बहुत ज़रूरी पार्ट है। देखिए, हमने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, अभी हमने पढ़ा कि एक त्रिभुज अगर है, इसके अंदर आप अगर लाइन बना देते हैं, मान लेते हैं तीन लाइन बना देते हैं। अब आपको बताया गया कि भाई अगर ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, तो इसके एरिया का रेशियो अगर आपको निकालना है तो एक का स्क्वायर ये आ गया तीन का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, ये आ गया आपका छः का स्क्वायर माइनस तीन का स्क्वायर। क्योंकि समरूप त्रिभुज में एरिया जो होता है उनकी भुजा के वर्ग के ऊपर डिपेंड करता है, यानी एरिया इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ साइड, ठीक है। साथ के साथ हमने और क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई एक त्रिभुज आपको दे रखा है, यानी एक ट्रायंगल आपके पास है, ठीक है। इसके अंदर हमने देखा कि भाई अगर ये तीन यूनिट है और ये पांच यूनिट है, अगर ये तीन यूनिट है और ये पांच यूनिट है, तो तीन यूनिट और पांच यूनिट का अंतर हो गया दो यूनिट। आपको कोई भी साइड दी जा सकती है, मान लेते हैं ये 14 दे दिया आपको, आपसे पूछा गया कि भाई बताइए ये क्या होगी, तो हमने क्या करा, हमने ये देखा कि भाई इन दोनों में जो अंतर है वो है दो यूनिट का। दो यूनिट का मतलब हो गया दो यूनिट की वैल्यू कहां पर है, यहां पर है ये, तो ये जो वैल्यू होती है इन दोनों के अंतर होती है, तो दो यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 14 हो गई, यानी सात गुना अगर आप देखें तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी होती है, तीन यूनिट, क्योंकि ये तीन है तो सात गुना हो गया 21 आ जाएगा, 21 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमने दिमाग में करी, डायग्राम में केवल आंसर लिखा, हमने यहाँ पर कहीं नहीं लिखा त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, और यही मैंने आपको बताया था, यही खासियत है एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अप्रोच करने की, यानी एग्जाम में अगर अप्रोच करना है ये ए बी सी नहीं लिखा जाता कभी भी, और ना कभी डी लिखा जाता, ठीक है, और ना फिर आपको ये लिखना कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी ई के, तो ये कुछ भी पार्ट हमें नहीं करना, और ना ये हमने सीखा। हमने केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा है कि बिना लिखे आंसर किस तरीके से मार्क किया जा सकता है, और आज की क्लास में भी हम यही देखने वाले हैं। तो आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा, आखिर तक काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपके पेपर में लगातार रिपीट होंगी। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये दिए गए चित्र में, अब यहाँ चित्र तो दे नहीं रखा, चित्र मैं बना देता हूँ आपके लिए। दिए गए चित्र में ये चित्र आपको दे रखा है, बी और सी, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया, केंद्र है दो वृत्त के ए डी ई, ए डी और ई, ये क्या है, एक समान स्पर्श रेखा है, यानी टेंजेंट है दो वृत्त पर। इन दोनों की त्रिज्या का अनुपात 3:5 दे रखा है और ए सी आपको 40 दे रखा है, यानी अभी तक जो किया, अभी तक क्या किया, ये किया अभी तक,
अभी तक हमने ये किया, ये रेडियस है। अब रेडियस का रेशियो आपको दे रखा है यहाँ पर, अगर देखते हैं 3:5 और डी की वैल्यू आपको दे रखी है 40, ठीक है, डी की नहीं एसी की, एसी की वैल्यू 40 है अगर, ये आपको 40 दे रखा है। अब 3:5, जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाई ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री के साथ क्या बनेंगे, समरूप त्रिभुज बनेगा, सिमिलर ट्राइंगल बनेगा, 3:5। 3:5 मतलब ये साइड भी 3 यूनिट होगी और ये पूरी साइड 5 यूनिट होगी। 5 यूनिट की वैल्यू अगर 40 है, ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू अगर 40 हो गई, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें 3:5 दे रखा है, रेडियस का रेशियो दे रखा है आपको, 5 यूनिट की वैल्यू अगर 40 हो गई तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है कितनी होगी, 3:5, ठीक है, और 5 यूनिट की वैल्यू 40, ठीक है, और आपको 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 2 यूनिट की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, ये आ गया क्या आपका 16 आ गया, ठीक है, क्योंकि 5 में और 3 में जो अंतर होता है, अभी अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि दो ट्राइंगल अगर बने हैं, अगर ये 3 है ये 5 है, ये क्या चीज होती है, इसका अंतर होता है, अंतर कितना हो गया 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ 16 आ गया। अब ये 16 क्या है, 16 आया है इनकी त्रिज्या का योग यानी रेडियस का एडिशन सम। तो रेडियस क्या है, 3:5, इसका सम आपको 16 दे रखा है, यानी 3 और 5 हो गया 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू 16 दे रखी है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई, 3 की वैल्यू 6 हो गई और 5 की 10 हो गई। अब आप देखते हैं यानी इसका रेडियस 6 आ गया और इसका 10 आ गया। अब पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया है आपसे डीई, डीई क्या हो गया, एक डीसीटी हो गया, डीसीटी यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगर बात करी जाए तो डीसीटी की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, फॉर्मूला हमने पढ़ा पहले भी दो सेशन के अंदर, मैंने बताया था काफी जगह क्या होता है, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, फिर पाइथागोरस लगाते हैं और फिर जाके आंसर निकालते हैं। तो एक प्रॉपर्टी आपको बताई, 2√R1R2 यानी 2√R1R2, 2√R1R2 मतलब R1 × R2 करेंगे आप तो 60 आ जाएगा, 60√2, तो 60√2 तो 2√60 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। 2√R1R2 हमने पढ़ा था, अगर इसको आप देखते हैं तो ये क्या हो गया, 4 × 15, 4 अगर बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, यानी 4√15 आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपको 2√60 भी मिल सकता है और 4√15 भी मिल सकता है। तो ये था अच्छा क्वेश्चन, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन था 17 मेंस का। अब मेन बात ये है कि आप ये देखिए कि इसमें आपने थ्योरी कितनी लिखी कि ए बी सी इसके सिमिलर है या पी क्यू आर इसके सिमिलर है, और फिर आपने रेशियो कितना लिखा, हमने केवल और केवल क्या किया, डायग्राम में क्वेश्चन सॉल्व किया, केवल और केवल। और यही स्ट्रेंथ रहती है ज्योमेट्री की। कई बच्चे क्या करते हैं, डरते हैं ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री डरने वाला पार्ट नहीं है, इसको ध्यान से समझिए, ये देखिए हर बात का मतलब क्या कहा जा रहा है। और कोई ये वीडियो अगर पहली बार देख रहा है तो उनसे ये जरूर कहूँगा कि पहले के दो सेशन जरूर देखें, क्योंकि पहले के दो सेशन आपको काफ़ी कुछ सिखाएंगे जिसका एप्लीकेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये दिए गए चित्र में दो समान वृत्त, दिए गए चित्र में दो समान वृत्त, ठीक है, समान वृत्त मैं बना देता हूँ और डायग्राम मैं देखता हूँ, ए और बी सेंटर है, ये इस तरीके से डायग्राम हो गया आपका, ए बी, ये ए है और ये बी है, ये केंद्र है और आर क्यू का लेंथ निकालना है आपको। आर क्यू अगर मैं बनाता हूं, ये बन गया आर क्यू, ये आपका आर क्यू बन गया, ठीक है। अब इसकी मैं नेमिंग कर देता हूं ए बी क्यू
आर और पी, ठीक है। एक बार डायग्राम चेक कर लेते हैं, और नेम इसका एस है, इस बिंदु का एस बिंदु का नाम है। आइए अब देखते हैं। अब देखिए ये डायग्राम है आपके सामने, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दोनों की जो त्रिज्या है वो समान है। अगर मैं देखता हूं ध्यान से, ये हो गया आपका, ये 4 हो गया। अब यहां अगर आप देखते हैं तो देखिए ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, और ये भी 4 हो गया, ठीक है। ये तीनों ही 4 हो गए आपके, और ये भी 4 हो गया। और ध्यान से देखें अगर ये डायमीटर है तो ये भी 90 हो गया। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, जैसे कि आपको बताया था कि सिमिलरिटी ऑब्जर्व करना है, और आपको ये देखना है कि एक दो एंगल आपके एक जैसे होने चाहिए। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखता हूँ और ये वाला ट्राइंगल देखता हूँ, मेरे को एक बात दिख रही है कि भाई इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये 90-90 और ये एंगल कॉमन दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूँ, इसका रेशियो क्या है देखिए, ये 3 हो गया, ये भी 4 है आपका, क्योंकि ये भी रेडियस हो गया, ये 12 हो गया और ये 4 हो गया। यानी 90 के सामने जो साइड है वो कॉमन एंगल के सामने वाली साइड से 3 गुना है। जो कॉमन एंगल के सामने वाली साइड अगर ये है, ठीक है, तो इससे 3 गुना 90 के सामने है। तो अगर मैं इसे इस तरीके से देखता हूँ, ध्यान से बात समझिएगा, केवल डायग्राम में करना है, लिखना नहीं है फालतू का। अगर ये 1 यूनिट होता है तो ये 3 यूनिट होता है, ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों ये आपको कैसे पता लगेगा? ये यहाँ से पता लग रहा है कि इसके सामने 4 है, इसके सामने 12, यानी कॉमन एंगल के सामने जो चीज़ होगी उसकी 3 गुना 90 के सामने वाली होगी, ठीक है। अब मैं पाइथागोरस लगाता हूँ, अगर 3 और 1 के साथ, ये हो गया आपका 2√2, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4 4 8 4 12 4 16, 2√2 की वैल्यू अगर 16 है, ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है आर क्यू। आर क्यू क्या है आपका? 1 यूनिट, ये हो गया, ठीक है, ये आपका आर क्यू है। तो आप देखते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4√2, और ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेन बात यही है कि ज्योमेट्री के अंदर लिखना नहीं है बार बार, केवल और केवल आपको क्या करना है, डायग्राम में ही क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे आपको बताया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, 17 में इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आता जाता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं पढ़ देता हूं एक बार। दिए गए चित्र में चित्र हो गया आपका ये, दिए गए चित्र में, बढ़िया सा बनाते हैं, रुक जाइए। दिए गए चित्र में AB 12, AC 15 और एक वर्ग है जिसका शीर्ष यहां पर है, ठीक है, आइए देख लेते हैं एक बार। ए बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए बी 12 है, AC 15 है, ये 90 डिग्री, ये 9 हो जाएगा। एक वर्ग इसके अंदर है, एक स्क्वायर इसके अंदर है, ठीक है, जिसकी भुजा इसके एक शीर्ष के साथ कोइंसाइड करती है, ठीक है। तो ये रहा इसका एक शीर्ष, इसकी भुजा ये हो गई, ये भुजा हो गई, ठीक है। अब आपको निकालना है इसका अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ठीक है, और कभी कभी वो फॉर्मूला लगा पाते हैं और कभी कभी फॉर्मूला नहीं भी लगा पाते हैं। अब खाली फॉर्मूला डिपेंडेंट नहीं रहना, आपको ये देखना है चीज़ें किस हिसाब से एग्जामिनर चेंज कर रहा है। आप जैसा पढ़ के जाएंगे ना घर में, ऐसा उम्मीद मत करिए बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। पेपर में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर मिलेगा, पर जिसने डेप्थ में पढ़ रखा है, चीज़ों के कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, वो इस चीज़ को आराम से टैकल कर लेगा। अगर ध्यान से देखें आप, आपको पता है ये स्क्वायर है, अगर
ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, और पैरेलल अगर हो गई तो समान समरूप त्रिभुज हो गए, ठीक है, यानी सिमिलर ट्राइंगल हो गए। अगर आप देखते हैं 9 और 12, 9 और 12 में अनुपात कितना हो गया, 3:4 का हो गया। 3:4 का मतलब है अगर ये साइड 3x है तो ये साइड क्या होगी, 4x, और अगर ये 3x है तो ये भी 3x होगी, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, वर्ग है, तो आप बोलेंगे 7x जो है 12 के बराबर हो गया। अगर 7x 12 के बराबर है, ठीक है, 7x 12 के बराबर हो गया तो 3x बराबर होगा किसके, 3x क्यों निकाला मैंने यहाँ पर, 3x इसलिए निकाला गया क्योंकि स्क्वायर की जो साइड है, जो भुजा है वर्ग की, वो आपने 3x ली है, तो 3x की वैल्यू क्या आ गई, 36/7, ठीक है, क्योंकि 7 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। अब ये क्या आई है, साइड आई है, आपको क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है, यहाँ देखते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी इसका स्क्वायर, 36/7 का स्क्वायर। अब मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप पेपर में ये कैलकुलेट करते हैं तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ऐसा इसलिए क्योंकि 36 7 से भाग नहीं हो रहा, और आप देख रहे हैं नीचे 7 का स्क्वायर, तो नीचे 49 आना चाहिए, नीचे 49 कौन से ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी पेपर में आपको 36 का स्क्वायर नहीं कैलकुलेट करना, पता लगा आप 36 × 36 करने बैठ गए, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, तो आप ये देखिए 7 का स्क्वायर है, नीचे 49 है, इस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, इसके अंदर क्या कहता है, दो वृत्त एक दूसरे को x बिंदु पर स्पर्श करते हैं, ठीक है, और इनकी एक समान टेंजेंट, किसी P बिंदु से, दोबारा से बनाता हूं डायग्राम, डायग्राम है आपका ये, कि एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा, समान टेंजेंट इनकी बनानी है, ठीक है, दो वृत्त हैं, P बिंदु है ये और C बिंदु है ये, ये बिंदु B हो गई, एक दूसरे को X बिंदु पर स्पर्श करते हैं, और कोई भी टेंजेंट इससे पास नहीं करती है, दिस टेंजेंट टच द लार्जेस्ट सर्कल एट पॉइंट B एंड C, रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल इज 15, ये आपको 15 दे रखी है, 15, ठीक है, और CP आपको 20 दे रखा है, ये आपको 20 दे रखा है, तो देखिए ये आपका अगर R है, ये 15 है, ठीक है, और ये R हो गया, और क्या दे रखा है आपको, 25 ये हो गया, ऐसा इसलिए क्योंकि पाइथागोरस लगा दिया आपने, 15, 20 और 25, 15 में ढंग से लिखता हूं, ये 15, ये 20 और ये 25। अब ये 25 अगर है तो ये 15 हो गया, ये 15 है तो ये बचा 10, ये आ गया आपका 10 - r, ठीक है, ये आपका 10 - r हो गया। अब आप ध्यान से देखें तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, अगेन जैसा अभी तक हम करते आए हैं, 15/25 का मतलब हो गया
5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 3:5, 15/25 का मतलब डायरेक्ट ही लिखा है मैंने, R/10 - R। अब आपको एक चीज पता है, इस टाइप की चीज मैं आपको डायरेक्ट कराता हूँ, इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराता कि इसकी इसमें गुणा करी, इसको इधर ले गया और फिर आंसर सॉल्व किया। आपने क्या करा, ऐड कर दिया, ऐड करने पे क्या मिला 10 यूनिट, ऐड करने पे क्या मिला 8 यूनिट। तो इधर की 8 यूनिट इधर की 10 यूनिट के बराबर है, इधर की 8 यूनिट इधर की 10 यूनिट के बराबर है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, छोटे वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है। 8 यूनिट अगर 10 के बराबर हो गई तो 3 यूनिट 30/8 के बराबर हो गई, ठीक है। और 30/8 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 30.75 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कैसे हुआ, देखिए मैंने ये कैसे बोल दिया कि 3 यूनिट होगी, क्योंकि R की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट है। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट का मतलब 10 सेंटीमीटर है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3.75 हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था और ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अब आप देखिए इसमें लिखने वाला पार्ट क्या है, केवल ये, यहाँ पर कहीं ABCDEF हमने नहीं लिखा, रेशियो नहीं लिखा, केवल इस तरीके से लिखा है और आपने आंसर कर दिया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ये, दिए गए चित्र में MNOP, अब पहले चित्र बना लेते हैं, दिए गए चित्र में MNOP, ये चित्र आपको दे रखा है, अगर आप देखते हैं, दोबारा से बनाता हूं मैं, रुक जाइए। चित्र आपको इस तरीके से दे रखा है कुछ, MNOP, 7 के 7 दे रखा है ये, इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर नेम मैं लिखता हूं Y, Z और X। ये Y है आपका, और ये X है। अब वैल्यू देखते हैं किस किस की दे रखी है। OX 27, XY 18, ठीक है। YZ आपको निकालना है और ये आपको दे रखा है। अगर ध्यान से देखते हैं तो देखिए, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक है। 7 के 7 अगर आप देखते हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक है। ये सब चीजें आपको दे रखी हैं इसके अंदर। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, आपने देखा इसके सामने 18, इसके सामने 27, ठीक है, इसके सामने 18 और इसके सामने 27, 18 और 27 का मतलब हो गया 2:3, ठीक है, 2:3 हो गया। अब यही बराबर हो जाएगा आपका इसके, xn अपॉन px के, क्योंकि ये xn इसके सामने हो गया, px इसके सामने हो गया, तो इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर यही चीज आप इधर देखें, px सामने हो गया इसके और xn सामने हो गया इसके, ठीक है, ये आपकी 4 लाइन्स है, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है।
तो पी एक्स सामने हो गया इसके और एक्स एन सामने हो गया इसके। अगर मैं फोर वाले की बात करूं तो ये आ गया आपका कितना एक्स जेड, और नीचे वाला पार्ट आ गया आपका क्या, ये आ गया ओ एक्स, ठीक है, एक्स जेड अपॉन ओ एक्स, क्योंकि ये फोर है, फोर के सामने ये आ गया और फोर के सामने ही आपका ये आ गया, ये पी एक्स था आपका इसके सामने। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, देखिए अगर आप बहुत ध्यान से देखें, सबसे पहले हमने रेशियो निकाला, इसके सामने 18 और इसके सामने 27, 2:3, इसके सामने एक्स एन हो गया, इसके सामने आपका ये आ गया पी एक्स, ठीक है, एक्स एन और पी एक्स। अब आप बात करते हैं इन दोनों ट्राइंगल की, ये वाला और ये वाला, एक्स एन किसके सामने है, इसके सामने तीन वाले के, ठीक है, इसके अंदर तीन वाले के सामने क्या है पी एक्स है, इसके अंदर चार वाले के सामने क्या है ये चेक करते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए, क्योंकि ये एक्स एन आपने लिखा, एक्स एन किसका है इसका है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, इसके साथ आपकी ये वाली साइड आनी चाहिए ओ एक्स, और इसके साथ क्या आना चाहिए, क्योंकि इसके साथ ओ एक्स आ गया तो इसके साथ जेड एक्स आ जाएगा। अब बात को ध्यान से समझिएगा, अब ये पूरा डायग्राम था, सिमिलरिटी हमने लगाई डायग्राम में और रेशियो केवल ये लिख दिया। अब आप देखते हैं कि ओ एक्स की वैल्यू, ओ एक्स की वैल्यू कितनी थी 27, दो की वैल्यू अगर 27 है, दो यूनिट की वैल्यू अगर 27 हो गई, 13.5 गुना, 3 यूनिट की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ तो 13.5 को अगर 3 से गुणा करेंगे, 13 39 और आधे को 3 से करेंगे 40.5, तो ये 40.5 आ गया, 40.5, ठीक है। जिसमें से आपको निकालना क्या, आपको तो वाई जेड निकालना है, आपको जेड एक्स थोड़ी निकालना है, वाई जेड कौन सी लेंथ है, देखिए अभी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ रेड कलर से, आपको निकालना है ये वाला, ठीक है, और आपको पता है पूरा 18 प्लस ये 40.5 के बराबर है, 40.5 में से अगर 18 घटाते हैं तो 22.5 आ जाएगा, तो 22.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है 17 मेंस का, हमने क्या करा इसके अंदर डायग्राम में काम किया। अगर इसी क्वेश्चन को आप बना के करते हैं, कम से कम 7 से 8 स्टेप लगेंगे और कम से कम 1.5 मिनट का क्वेश्चन है ये, 1 से 1.5 मिनट का टाइम कम से कम लगेगा इसके अंदर, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगला क्वेश्चन है आपका ये, इसका ना डायग्राम बनाना जरूरी है, डायग्राम जरूर बनाएंगे पहले आपके लिए, और देखिए इसी तरीके के लगभग काफी सारे क्वेश्चन, ठीक है, इसी तरीके के काफी सारे क्वेश्चन, चाहे वो 17 मेंस के हों चाहे वो 18 मेंस के हों, उसी टाइप के काफी सारे क्वेश्चन हमारी बुक लक्ष्य 200 में मौजूद हैं। आप चाहे तो उसे खरीद सकते हैं, और खरीदने के बाद ये जरूर देखिएगा कि उसके अंदर लेवल किस टाइप का है, यानी लेवल जो है आपका लक्ष्य 200 के अंदर, जो कि एडवांस मैथ की बुक है, लेवल आपको 17 मेंस वाला ही मिलेगा, CGL 17 मेंस, ठीक है। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर किसी ने नहीं खरीदी है तो जरूर खरीदिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं उसके अंदर, ठीक है, ये क्वेश्चन भी उसके अंदर मिलेगा आपको। आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं ध्यान से, दिए गए चित्र में, तो सबसे पहले तो चित्र ही बना लेते हैं, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जामिनर का फेवरेट पैटर्न है, जिस पे बेस क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका, दिए गए चित्र में ए बी और सी, ए बी और सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया अच्छा ए बी ओ सी सेंटर नहीं है, ए बी ओ सी टेंजेंट पे, ओ वन ओ टू और ओ थ्री ये सेंटर है, ठीक है, ए
बी सी, ठीक है, और पी टी, ठीक है, पी टी एक टेंजेंट होगी, डायग्राम देख लेता हूं मैं एक बार, हाँ यही है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा बात को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका एग्जाम का, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन। अब मेन डिपेंड करता है इस चीज पे कि आपकी अप्रोच क्या रहती है। देखिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया बच्चे को डराने के लिए, और जो बच्चे ये सोचते हैं जिनकी प्रैक्टिस लेवल बहुत अच्छा नहीं है वो डर भी जाएंगे इससे, ठीक है। और कुछ बच्चे अगर करके भी आते हैं तो क्वेश्चन का आंसर तो निकाल लेंगे पर वो छोटा तरीका नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है इसके अंदर छोटा तरीका क्या रहेगा। साथ के साथ यहीं पर एक प्रॉपर्टी और बताता हूँ कि अगर 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 कितने भी सर्कल बनते हैं इस टाइप के, तो इनका जो रेडियस है वो जीपी सीरीज में होता है, यानी बीच वाले का स्क्वायर करते हैं तो पहले वाला इंटू दूसरे वाला, ठीक है, हमेशा ऐसा ही रहेगा। अब ध्यान से यहाँ देखते हैं, बहुत ध्यान से बात समझिएगा, केवल केवल मुश्किल से मैं कहूँगा 5 से 7 सेकेंड का क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो। आप देखते हैं अगर ये 4 है, ये 6 है और ये 9 है, ठीक है, 4, 6 और 9। अगर मैं आपसे केवल और केवल ये पूछता हूँ कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी बीसी की, बीसी मैंने अभी आपको पढ़ाया था डीसीटी होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं 2√R1R2, ठीक है, 2√R1R2 यानी 2√54, 2√54 यानी 9 और 6, 9 का रूट करूंगा 3 बाहर आएगा, 2 3 6 तो 6√6 हो जाएगा, इसको मैं 6√6 लिख देता हूँ। देखिए केवल और केवल 2 स्टेप में क्वेश्चन करूंगा और 2 स्टेप भी डायग्राम में होंगे, लिखूंगा कुछ नहीं इसके अलावा, ठीक है। 2:3, 2:3 हो गया क्योंकि ये समरूप त्रिभुज होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो स्टार्टिंग जब करी थी मैंने तब ये बताया था आपको कि भाई 2:3 है ये, तो ये बीच वाला क्या होता है, बीच वाला उसका अंतर होता है, 2 और 3 में अंतर कितने का हो गया 1 का, 1 की वैल्यू अगर 6√6 है तो ये पूरा कितना है 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18√6, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपका बहुत स्मार्ट सॉल्यूशन है, देखिए स्मार्ट सॉल्यूशन डिपेंड ऑन स्मार्ट थिंकिंग, जब तक आप सोचेंगे बढ़िया नहीं तब तक सॉल्यूशन जनरेट बढ़िया नहीं होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली तो हम स्ट्रॉन्ग हैं ही, साथ के साथ हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से स्टेप हम लिखने में बचा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका ये, दिए गए चित्र में एक डायग्राम आपको दिया गया है, डायग्राम है आपका ये, दिए गए चित्र में डायग्राम देख लेता हूं एक बार, डायग्राम आपको दे रखा है ये, दिए गए चित्र में पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ठीक है, एक लाइन है यहां से यहां क्यू टी, एक लाइन है यहां से यहां SU, QT और SU। अब बहुत ध्यान से समझिएगा जो वैल्यू आपको दे रखी है, RU हो गया 10 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन पे आते हैं हम, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन पे। केवल और केवल जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ डायग्राम को ही छेड़ना है, इसके अलावा फालतू कुछ नहीं लिखना है, एग्जाम में इतना वक्त नहीं है। अगर आप देखते हैं RU की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, RS की वैल्यू 8 है, SU की वैल्यू 6 है। अब देखिए इतने समझदार तो आप हो ही गए हैं कि भाई ट्रिपलेट तो पहचान सकते हैं बहुत आराम से, 6, 8, 10 का ट्रिपलेट नजर आ रहा है, यानी ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। और अगर ये एंगल 90 डिग्री का हो गया तो ये वाली रेखा इसके समांतर है, पैरेलल है, तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर एक चीज गिवन है कि भाई PT, TS और SR ये 2:1 में है,
यानी अगर इसकी लेंथ एक यूनिट होगी, इसकी भी एक होगी, इसकी दो होगी, यानी ये आठ है तो ये भी आठ हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। इसी का मतलब तो 2:1:1 है, ठीक है। अब आप ध्यान से एक बात देखें, ये लाइन इसके समांतर है, जो अनुपात इसका है वो अनुपात इसका होगा, 1:1 हो गया तो 1:1 ये हो जाएगा, पर इसकी जरूरत नहीं है हमें, हमें जरूरत है इसकी, क्योंकि हमें निकालना है पी क्यू। अब आप देखते हैं, क्योंकि ये 1:1 है, यानी ये मध्य बिंदु हो गई आपकी, यानी मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है वो नीचे वाली रेखा से आधी होगी और उसके समांतर होगी, यानी पैरेलल होगी और हाफ होगी। अगर ये 6 है तो ये 12 हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, 12:16। अब कई बच्चे ऐसा करेंगे कि यहाँ पर भी स्क्वायर बनाना शुरू कर देंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया 3, 4, 5 का ट्रिपलेट का याद रखना है आपको, 3 × 12, 4 × 16, तो 5 × 20, 5 × 20 यानी ये 20 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन मार्क कर देंगे आंसर, 20 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ये देखिए, अगर कॉन्सेप्ट है दिमाग में, पेपर में टाइम कितना है, 10 से 15 सेकेंड। हमें एग्जामिनर को ये नहीं बताना कि हमें एक एक स्टेप पता है, हमें एग्जामिनर को ये बताना है कि हमें आंसर निकालना आता है। कोई नहीं चेक करने वाला आपका कि आपने ट्रायंगल PQR लिखा है, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, केवल आंसर चेक होता है, उसी के बेस पे आपको जॉब मिलती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये तो भाई काफी बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप के भी कुछ एक क्वेश्चन ना आपको एग्जाम में मिलेंगे। एग्जाम में कई बार क्या होता है, लेंथी क्वेश्चन आते हैं, और लेंथी क्वेश्चन के लिए मेरी एक सलाह आपकी आपके लिए मुफ्त होगी बिल्कुल, कि इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आप देखें ध्यान से, इतना बड़ा क्वेश्चन अगर लाइनें ही गिन लें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ लाइनों का क्वेश्चन है। तो अगर सामने देखते ही पता लग रहा है कि भाई ये तो एक पैराग्राफ सा लिखा हुआ है, इतना बड़ी लाइनें लिखी हुई हैं, तो देखते ही छोड़ दें, सबसे बेस्ट चीज़, क्योंकि इतना टाइम आप पढ़ने में लगाएंगे, इतने टाइम में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर फिर भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया हुआ है तो हम सॉल्व करके जरूर देखेंगे, और सॉल्व भी इस तरीके से करेंगे कि छोटे से छोटा सॉल्यूशन आपका इसका क्या हो सकता है। आइए डायग्राम बना देता हूँ पहले इसका, अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका, डायग्राम आपको दे रखा है, पी और पी बी दो वृत्त हैं जिसका रेडियस 3 और 5 सेंटीमीटर है। चलिए 3 हो गया और 1, 5 हो गया, ठीक है जी। पी और पी बी दो स्पर्श रेखा हैं 3 और 5 पर, पी ए इस छोटे वृत्त को और बड़े वृत्त को एक्स और वाई पर स्पर्श करती है, एक पी ए हो गया आपका, और एक आपका पी बी हो गया, ए और बी। अब देखिए क्या कह रहा है, पी ए छोटे वृत्त को और बड़े वृत्त को एक्स और वाई पे स्पर्श करती है, इसको एक्स पर और इसको वाई पर, ठीक है। आगे कह रहा है कि पी बी छोटे वृत्त को यू पर और बड़े वृत्त को वी पर स्पर्श करती है, छोटे और बड़े वृत्त का केंद्र ओ और एन है, O और N। देखिए वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया नहीं था आपको, केवल आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाए इसलिए मैंने डायग्राम बना दिया। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, दो वृत्त के अंदर, दो सर्कल के अंदर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर दो चूड़ियाँ आप ले लें, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो दूर दूर रहेंगी, या वो टच करेंगी एक दूसरे को, या एक दूसरे पर ऐसे बनेंगी, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, अगर आप दो सर्कल ले लेते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी, या तो वो दूर रहेंगी, या वो टच करेंगी, या वो इंटरसेक्ट करेगी, या वो स्पर्श करेगी, या एक दूसरे के अंदर होगी, या एक दूसरे के अंदर इस तरीके से होगी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप दो सर्कल ले लें तो मैक्सिमम ये चीजें कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर आपने देखा पहले का रेडियस क्या है, 3 है, दूसरे का 5 है, अगर एक का रेडियस 3 है दूसरे का 5 है और दोनों के केंद्र के बीच दूरी इनसे ज्यादा है, ओ एन की वैल्यू 12 दे रखी है, यानी ये दूरी ज्यादा है तो मतलब
ये दोनों सेपरेट होंगी इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इसका रेडियस 3 है, इसका रेडियस 3 है, इसका रेडियस 5 है, ठीक है। साथ के साथ ON आपको 12 दे रखा है, देखिए यही मजा आ जाएगा। मजे आने वाली बात क्या है कि भाई एक कॉन्सेप्ट हमने सिमिलरिटी का ढंग से अगर सीख लिया तो काफी सारे क्वेश्चन हमारी मुट्ठी में है, केवल डायग्राम के अंदर लिखना है और आंसर मार्क करना है। 3:5, वही बात बार बार आई जा रही है, 3:5 यानी अंतर हो गया कितना, 2 यूनिट का। 2 यूनिट की वैल्यू अगर 12 हो गई, 3:5 यानी अंतर हो गया 2 यूनिट का, 2 की वैल्यू अगर 12 यानी 6 गुना, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, यानी 3 का 6 गुना 18, 18 आप यहाँ लिखेंगे। वैल्यू किसका निकालना है, पी वाई का निकालना है। क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी बचपन से, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस में भी ना बहुत कैटेगरी के बच्चे आ जाते हैं, पाइथागोरस लगाना तो बहुतों को आता है, पर छोटा तरीका क्या होगा उसे लगाने का, वो बहुत मैटर करता है। अब जैसे कि यहाँ आप देखते हैं ये क्या हो गया, 30 हो गया, और ये क्या हो गया, 5 हो गया, और आपको ये निकालना है। तो 30 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाना है, 30 का वर्ग करना है और 5 का वर्ग करना है और उसे आपको घटाना है। तो 30-5 और 30+5 करिए और रूट लगाइए, 30-5 क्या हो गया, 25, 25 का रूट क्या हो गया, 5, और 30+5 कितना हो गया, 35, 35 का रूट, 35। तो आप बोलेंगे 5√35 आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, पूरा सेशन देखिएगा दोबारा से अगर क्वेश्चन कोई समझ ना आया हो, और ये देखिएगा कितने क्वेश्चन ऐसे लगे आपको जिसमें हमने डिटेल में काम किया, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं पाएंगे। तो जो हमने पहले सेशन में शुरू किया था लगातार हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी उसे कंटिन्यू करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो देखिए लाइक और शेयर जरूर करना है, तभी ये सेशन आपके कंटिन्यू आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना करेंगे, अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।